गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे 20 जनवरी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो क्योंकि आज सैटरडे है, सब लोग जानते हैं कि सैटरडे के दिन हम अपना रिवीजन नहीं करते हैं, बल्कि उसकी जगह पे हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रखते हैं, ताकि उस वीक में हमारे जो भी क्वेश्चन एक दो मिस हो गए हैं उनको हम वीकेंड पे कवर कर लें, और फिर मंडे से हम लोग वापस रिवीजन पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे आपको एक और अनाउंसमेंट करनी है। देखिए, बहुत सारे लोग इंग्लिश वर्जन के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। जो हमारा दूसरा चैनल है जीके टुडे 2.0, उसको पहले तो हमने इसी पर्पज़ के लिए क्रिएट किया था कि उस पर हम इंग्लिश में करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे, लेकिन फिर बाद में इसमें रिस्पॉन्स कुछ बहुत खास नहीं था, इसलिए हमने वो कुछ टाइम के लिए पॉज कर दिया था। लेकिन आपकी जो डिमांड्स हैं उसको देखते हुए हम लोग फिर से इसको रिज्यूम कर रहे हैं, और अब से जो लोग भी इंग्लिश में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल जीके रुडे 2.0 को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहाँ पे उनको डेली बेसिस पे इंग्लिश करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी अनाउंसमेंट थी। जो लोग भी हिंदी प्रेफर करते हैं वो यहाँ पे स्टे करें, और जो लोग भी इंग्लिश प्रेफर करते हैं वो उधर जाके देख सकते हैं। मंडे से आपको उस पर वीडियोज़ मिलने लगेंगे। देखिए, हम आपके लिए इतना एफर्ट करते हैं, तो प्लीज़ आप भी इसको थोड़ा सा शेयर करिएगा, जिससे कि हमें भी फील हो कि जो हम उस पर मेहनत कर रहे हैं वो लोग देख रहे हैं, या उससे किसी को फ़ायदा पहुंच रहा है, तभी इस पर मेहनत करने का जो एफर्ट है वो फुलफिल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। हम पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली तेलंगाना कोलाबरेटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू स्टैब्लिश द सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हाल ही में तेलंगाना ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलाबरेट किया है जिसके बाद वो स्टैब्लिश करेंगे एक सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और तेलंगाना की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो स्टैब्लिश करेंगे 19th सेंटर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नेटवर्क। कहाँ पे? हैदराबाद सिटी में। ठीक है, कब लॉन्च होगा ये? तो ये लॉन्च होगा फरवरी 2024 में, और ये दुनिया का पहला थीमेटिक सेंटर होगा जो कि डेडिकेटेड होगा टू द हेल्थ टेक एंड लाइफ साइंसेज, जिसमें कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कंडक्ट की जाएंगी बिटवीन तेलंगाना एंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बेसिक एम क्या है सेंटर का? ताकि हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी को हम इन्हांस कर सकें, साथ ही जो ब्रॉडर विजन है दोनों ही एंटिटीज का वो अलाइन हो सके। और जैसा कि हम जानते हैं कि हैदराबाद जो है ये एक ग्लोबल हेल्थ केयर हब बन चुका है, जहाँ पे और ज़्यादा इसको बड़ा हब बनाने की कोशिश की जा रही है, और इसमें बेसिक इम्फेसिस ये कर रहे हैं कि कोलाबरेशन हो सके फॉर द इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड द ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर तेलंगाना इन द फोर्थ इंडस्ट्रियल नेटवर्क। ठीक है, तो आपको दो बातें याद रखनी है यहाँ पे कि कौन सा स्टेट है जिसने कोलाबरेट किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ, किस लिए? टू स्टैब्लिश अ सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आंसर इज तेलंगाना। अगर उल्टा पूछेंगे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो तेलंगाना के साथ मिलकर इस सेंटर को स्टैब्लिश कर रही है, तो आंसर इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यहाँ पे हेडक्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का हेडक्वार्टर एक ही जगह पे है। कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। दोनों का हेडक्वार्टर्स लाई करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर्स है स्विट्जरलैंड में लाई करता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मुझे आपको एक और यहाँ पे न्यूज़ बतानी है। आजकल पनामा कैनल भी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आ गया था। अगर आपसे पूछा जाए इन केस कि ये कौन से दो ओशन को कनेक्ट करता है, तो आपको याद रखना होगा कि ये अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है ये कैनल। ठीक है, किस वजह से न्यूज़ में, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। साइंटिस्ट ने हाल ही में यहाँ पे डिस्कवर करी है 22 मिलियन ईयर ओल्ड लॉस्ट फॉरेस्ट इन दिस पनामा कैनल, जो कि एक क्रूशल आर्टिफिशियल वाटरवे है जो कि कनेक्ट करता है हमारे अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन को। ठीक है, तो किस वजह से न्यूज़ में था ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ, क्योंकि पनामा कैनल चर्चे में आ गया था, तो बस ये याद रखिएगा कि कौन से दो बड़े ओशंस को कनेक्ट करता है, तो आंसर इज अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली इशूड द जापानीज येन डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड्स? इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हाल ही में जारी किया है जापान बेस्ड येन डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड्स? तो दिस इज ए ऑप्शन REC लिमिटेड। ये एक महारत्न PSU है जो कि काम करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो इसने एक माइलस्टोन अचीव किया है, और इसने इनॉग्रल बेसिस पे 61.1 बिलियन ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए जा रहे हैं, और इसी के साथ ये REC लिमिटेड की 11th एंट्री है इनटू द इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट, और ये इनकी पहली जापानीज यानी कि येन ग्रीन बॉन्ड्स है जो कि इशू की गई है बाय एन इंडियन PSU। ओके, तो इनकी मैच्योरिटी जो है वो अलग अलग टाइम पीरियड के लिए है, जैसे 5, 5.25 एंड 10
ईयर्स और इनको इशू किया जाएगा एट द यील्ड्स ऑफ -1.76% इसके लिए, साथ ही 5.25 वाले के लिए 1.79%, दिस इज नॉट माइनस सॉरी, एंड 2.20% रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो ये जो यूरो येन इश्यूएंस है ये लार्जेस्ट माना जाता है साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में. इसी के साथ ये इंडिया का लार्जेस्ट येन डिनोमिनेटेड इश्यूएंस रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है REC लिमिटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. रिसेंटली विच स्टेट वॉज रैंक्ड एज द बेस्ट परफॉर्मर इन द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग फॉर 2022. हाल ही में इसमें से कौन सा स्टेट है जो बेस्ट परफॉर्मर साबित हुआ है इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में 2022 के लिए. यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन तमिलनाडु. तमिलनाडु जो है ये बेस्ट परफॉर्मर स्टेट साबित हुआ है 2022 के स्टार्टअप इंडिया स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग्स में. और ये स्टेट का स्ट्रेटजिक एफर्ट है इसमें, क्योंकि इन्होंने बहुत कोशिश की थी कि अपने नोडल स्टार्टअप एजेंसी को ये रिवैम्प कर सकें. कौन सी? स्टार्टअप तमिलनाडु को. ठीक है, और 2021 में इन्होंने कोशिश की थी और इसके लिए कुछ बजट इन्होंने एलोकेट किया था, जिसमें कि ये डिसाइड हुआ था कि कुछ नए फंड्स ये लॉन्च करेंगे, जैसे कि तमिलनाडु स्टार्टअप सीड फंड हो गया, इमर्जिंग सेक्टर सीड फंड हो गया और तमिलनाडु SC/ST फंड हो गया. ठीक है, तो ये जो रैंकिंग्स है इसमें इन्होंने कुछ और स्टेट्स को रिकग्नाइज किया है, जैसे कि गुजरात, कर्नाटका, केरला और हिमाचल प्रदेश, ये जो हैं बेस्ट परफॉर्मेंस रहे. वहीं महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान एंड तेलंगाना को कैटेगराइज किया गया एज द लीडर्स. और अगर प्रेजेंट में बात करें तो तमिलनाडु स्टेट जो है इसने पोस्ट किए हैं लगभग 7600 स्टार्टअप्स जो कि रजिस्टर हुए हैं अंडर द स्टार्टअप इंडिया स्कीम, और 2250 स्टार्टअप्स इसमें से ऐसे हैं जिनको कि सिर्फ और सिर्फ 2022 में रजिस्टर करवाया गया. ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मर साबित हुआ तमिलनाडु इन द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग. यूजुअली आपसे बेस्ट ही पूछेंगे, टॉप 5 या टॉप 3 बड़े एग्जाम्स में पूछते हैं, जैसे कि UPSC वगैरह. ठीक है, यहाँ पे एक और न्यूज़ डिस्कस करेंगे. साउथ अमेरिका के जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपना इंटरेस्ट जताया है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स में, जिसको कि डिज़ाइन करता है इंडिया का आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, दैट इज ARDE. ठीक है, तो पिनाका की बात करें तो ये यूटिलाइज किया गया था कारगिल वॉर में और इसने इफेक्टिव तरीके से न्यूट्रलाइज किया था पाकिस्तान आर्मी पोजिशंस को. और ये डिलीवर करता है लीथल फायर अगेंस्ट वेरियस टारगेट्स, जहाँ पे इसकी जो रेंज है वो 60-75 किलोमीटर्स के बीच में रेंज करती है या लाई करती है. ठीक है, तो इस सिस्टम में इंक्लूडेड होता है मल्टीट्यूब लॉन्चर व्हीकल, साथ ही कमांड पोस्ट व्हीकल वगैरह, और ये जो है कवर कर सकता है 700-500 स्क्वायर मीटर एरिया सिर्फ और सिर्फ 48 सेकेंड्स के अंदर. ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि पिनाका जो कि एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, कौन सी कंट्री इसको डेवलप करती है? आंसर है इंडिया. किस वजह से आजकल न्यूज़ में है? क्योंकि साउथ अमेरिकन की जो कंट्रीज हैं या जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं उन्होंने अपना इंटरेस्ट यहाँ पे जताया है इस पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स में. ठीक है, वॉट इज द थीम ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023? इसके लिए थीम क्या रखी गई है आपको ये बताना है. तो जो 9th एडिशन है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का, वो स्टार्ट हो चुका है 17th of January 2024 से, और कब तक ये कंडक्ट होगा? आज तक, यानी कि 20th of January तक. ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, किसके साथ मिलके? इन कोऑर्डिनेशन विद नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया. ओके, और ये जो फेस्टिवल है इसको होस्ट कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, रीजनल सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इन फरीदाबाद. ओके, सेंट्रल थीम क्या रखी गई है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृत काल. ओके, इसमें जो है टोटल कितनी कंट्रीज हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं? आंसर इज 22. फाइन, तो यहाँ पे थीम क्या रखी गई इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के लिए? आंसर इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृत काल. देखिए, इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी बेसिक फैसिलिटीज को एक्सटेंड कर दिया है टू द एंडेंजर्ड कोलम ट्राइब थ्रू द जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, और इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है इनके हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर. तो कोलम ट्राइब जो है ये ज़्यादातर मध्य प्रदेश में आपको मिल जाएगी, इसके अलावा कुछ लोग इसके महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे हिस्से में भी रहते हैं, और ये डेजिग्नेट हो चुका है एज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, इसको आप PVTG के नाम से जानते हैं. और अगर हम हिस्टोरिक तरीके से बात करें तो ये सर्व करते थे एज द प्रीस्ट फॉर द गोंड ट्राइब. तो प्राइमरली इसमें फार्मर्स होते हैं जो कि ट्रांजिशन हुए हैं फ्रॉम शिफ्टिंग कल्टिवेशन टू सेटल्ड फार्मिंग, और ये जो है एक लैंग्वेज बोलते हैं जिसका नाम होता है कोलामी,
और कुछ और लैंग्वेजेस का भी यूज़ करते हैं जहाँ पे देवनागरी स्क्रिप्ट को प्रेफर करते हैं फॉर राइटिंग, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपना प्लान अनाउंस किया है जिसमें बात कर रहे हैं कि बेसिक फैसिलिटीज़ को एक्सटेंड किया जाएगा अंडर द पीएम जनमन स्कीम, वो किस पर्टिकुलर इंडेंजर्ड ट्राइब के लिए किया जा रहा है, तो आंसर इज कोलम ट्राइब। कोलम ट्राइब के बारे में ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो ट्राइब है ये कहाँ पे ज़्यादातर रहती है, तो यहाँ पे तीन स्टेट के नाम आप लिख सकते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, ई साक्षी एप्लीकेशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री। ई साक्षी एप्लीकेशन जो आजकल चर्चे में है ये किस मिनिस्ट्री के साथ रिलेटेड है, तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन जो कि हाल ही में लॉन्च किया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने, इसके थ्रू इस स्कीम के फंड को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, यानी कि जो इसका फ्लो प्रोसीजर है उसको ट्रांसफॉर्म करने की बात की जा रही है। तो अब ये जो ऐप है ये रिवोल्यूशनाइज करेगा कि किस तरह से MPs मैनेज करेंगे अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को। इसमें उनको कुछ कन्वीनियंस और एक्सेसिबिलिटी ऑफर की जाएगी जिससे कि रियल टाइम प्रपोजल ट्रैकिंग और ओवरसाइट इनेबल हो सके, और इसी के साथ जो डिसीजन मेकिंग है वो भी इन्हांस होगा विद द इंस्टेंट अपडेट, और जो कम्युनिकेशन है बिटवीन MPs एंड अथॉरिटीज उनको भी स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जाएगी। आप बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं कि इस एप्लीकेशन का सबसे मेन पर्पज ये है कि ट्रांसपेरेंसी प्रमोट हो सके थ्रू द बजट मैनेजमेंट फीचर्स, जहाँ पे एफिशिएंट मॉनिटरिंग हो सके एक्सपेंडिचर्स की फॉर द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, और साथ ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और अकाउंटेबल डेवलपमेंट प्रोसेस हम फैसिलिटेट कर सकें, ठीक है। तो ई साक्षी एप्लीकेशन किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट है, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो फेस्टिवल है कौन से स्टेट में मनाया जाता है। जो 9th एडिशन है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल का, ये शेड्यूल किया गया था फ्रॉम 18th टू 20th ऑफ जनवरी 2024। ये आज ही कंक्लूड हुआ है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। 2015 से ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है, और कौन इसको प्रीडोमिनेंटली सेलिब्रेट करता है, तो आंसर इज नीशी ट्राइबल ग्रुप, जहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेशन एफर्ट्स लिए थे हॉर्नबिल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इन द पक्के टाइगर रिजर्व। सब जानते हैं कि पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में लाया करता है, ठीक है। इसका बेसिक एम होता है कि कुछ अल्टरनेटिव इनकम सोर्सेज को जनरेट कर सकें और अवेयरनेस क्रिएट कर सकें अबाउट द पक्के टाइगर रिजर्व, साथ ही जो इसकी सिग्निफिकेंस है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हॉर्नबिल को प्रिजर्व करना, उसके बारे में हम थोड़ी सी बातें हाईलाइट कर सकें। तो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का है, और सिर्फ अगर हॉर्नबिल फेस्टिवल आपके एग्जाम में आता है तो ये मनाया जाता है नागालैंड में, ठीक है। दोनों ही फेस्टिवल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के हैं लेकिन अलग अलग हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच प्लेयर हैज बिकम इंडियाज नंबर वन चेस प्लेयर सरपासिंग विश्वनाथन आनंद। हाल ही में इंडिया का कौन सा प्लेयर है जो नंबर वन पे पहुंच चुका है, और इसी के साथ इन्होंने विश्वनाथन आनंद को जो है सरपास कर दिया है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आर प्रज्ञानंदा, दैट इज ए ऑप्शन। ये बन चुके हैं इंडिया के टॉप रैंक्ड मेंस चेस प्लेयर। इसी के साथ इन्होंने सरपास किया 5-time वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद को। ये सिर्फ अभी फिलहाल 18 साल के हैं और इन्होंने इस फीट को अचीव कर लिया है आफ्टर डिफीटिंग द करंट वर्ल्ड चैंपियन, कौन थे, चाइना के डिंग लिग्रे, ठीक है। और ये कब किया इन्होंने, 4th राउंड में ड्यूरिंग द टाटा स्टील मास्टर्स टूर्नामेंट। तो फिलहाल आपको ये याद रखना है कि इंडिया के नंबर वन चेस प्लेयर बन चुके हैं आर प्रज्ञानंदा, और इन्होंने इसी के साथ सरपास कर दिया है विश्वनाथन आनंद को। जरा कमेंट्स में बताइएगा कि आर प्रज्ञानंदा कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, इन विच रीजन ऑफ इंडिया इज द 12th एडिशन ऑफ द मिलन 2024 नेवल एक्सरसाइज शेड्यूल टू बी हेल्ड। मिलन 2024 का जो 12th एडिशन है यानी कि जो 12वां एडिशन है, ये इंडिया के किस हिस्से में कंडक्ट किया जाएगा। तो ये 12th एडिशन है मल्टीनेटरल नेवल एक्साइज मिलन का, जो कि होगा विशाखापट्टनम के अंदर। कब से कब तक, 19 से लेकर 27th ऑफ फरवरी 2024 में, और इंडियन नेवी होस्ट करेगी इस एक्साइज को, जहां पे लगभग 50 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी और 20 शिप्स जो हैं पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है। तो इस एक्साइज में इंक्लूड रहेगा दोनों ही, यानी कि हार्बर और सी फेस, और इसके थ्रू फोकस किया जाएगा कि हम मैरीटाइम कोऑपरेशन और सिक्योरिटी को और मजबूत कर सकें। मिलन बेसिकली एक बैनियल इवेंट होता है जो कि एक कॉर्नर स्टोन है आप कह सकते हैं मैरीटाइम कोलाबरेशन का और कोऑपरेशन का, जो हम कंडक्ट करते हैं सिंस 1995। जो प्रीवियस एडिशन था मिलन का 2022 में, उसमें टोटल 39 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो इस साल ये फरवरी मंथ में होगा, 12th एडिशन है मिलन का, और कहाँ पे होगा, तो आंसर इज विशाखापट्टनम, ठीक है। इसके अलावा आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स
ये क्या चीज है? एक इंडस्ट्रियल और मेडिकल गैसेस मैन्युफैक्चरर हैं ये। हाल ही में इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, किस लिए? एक ग्रीन अमोनिया प्लांट यहाँ पे स्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने कितना इन्वेस्ट करने का प्लान किया है? $3 बिलियन लगभग। और ये जो प्लांट है ये अगले 3 से 5 सालों के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ताकि ये 5 लाख मेट्रिक टन्स पर एनम लिक्विड अमोनिया प्रोड्यूस कर सकें। और आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट एक प्राइवेटली हेल्थ कंपनी है जो कि प्रेजेंट में ऑपरेट करती है लगभग 45 लोकेशंस में अक्रॉस इंडिया। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का कौन सा स्टेट है जो कि इन्वॉल्व है इन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट, जहां पे ये जो कंपनी है ये ग्रीन अमोनिया प्लांट स्टैब्लिश कर रही है, आंसर इज महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फायर पावर 2024 एनुअल रिपोर्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज? तो ग्लोबल फायर पावर 2024 की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की रैंक क्या है अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज? तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंडिया की रैंक है 4th अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज। और इनके पहले कौन कौन सी कंट्रीज हैं? US, रशिया एंड चाइना, ये 1st, 2nd और 3rd पे आती हैं। और ये जो GFP रैंकिंग है ये कंसीडर करती है डिफरेंट फैक्टर्स को टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव परस्पेक्टिव ऑन ग्लोबल मिलिट्री स्ट्रेंथ। और 2024 में जो GFP रिव्यू है उन्होंने कंसीडर किया 145 वर्ल्ड पावर्स को। ठीक है, तो GFP के मुताबिक इंडिया का जो पावर इंडेक्स स्कोर है वो है 0.1023, लेकिन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। और परफेक्ट स्कोर ये मानते हैं कितना होता है? 0.0000। ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है ये एक रियलिस्टिक टारगेट नहीं है। तो जितनी स्मॉल वैल्यू होगी ये वो डिपिक्ट करती है कि उतना ज़्यादा पावरफुल कन्वेंशनल फाइटिंग कैपेबिलिटी है उस कंट्री के पास। ओके, तो इनके मुताबिक इंडिया की रैंक है 4th। अगर आपसे पूछा जाए टॉप मोस्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री है तो US, और अगर टॉप 2 या टॉप 3 पूछे जाएंगे तो US, रशिया एंड चाइना ये टॉप 3 है। ठीक है, नेक्स्ट है, हु इनॉग्रेटेड द 12th जनरल असेंबली ऑफ द एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस इन न्यू दिल्ली? हाल ही में किसने इनॉग्रेट किया 12वीं जनरल असेंबली को ऑफ द एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस इन न्यू दिल्ली? यहाँ पे आंसर है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर। इन्होंने इनॉग्रेट किया 12th जनरल असेंबली को ऑफ द एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस, जहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया ग्लोबल चैलेंजेस को, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया, टेररिज्म हो गया और इसके अलावा पॉवर्टी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा के टाइमलेस विजडम को एम्फसाइज किया जा रहा है। और इन्होंने काफ़ी प्रेस किया 4 Noble Truths एंड 8-fold path जो कि बताए थे लॉर्ड बुद्धा ने फॉर यूनिटी। और इन्होंने कहा है कि जो बुद्धा की टीचिंग्स हैं, यानी कि जो लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स हैं, वो काफ़ी अच्छी साबित हो सकती हैं इंडिया की गवर्नमेंट के रेलेवेंस के लिए, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए, और ये एक काफ़ी अच्छा साइन हो सकता है ग्लोबल हारमोनी के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा 12th जनरल असेंबली थी एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस की, और कहाँ पे हुई? नई दिल्ली में। किसने इसको होस्ट किया या इनॉग्रेट किया? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर ने। यहाँ पे एक और समिट की हम बात करेंगे। हाल ही में स्विट्जरलैंड को डिसाइड किया गया है कि वो होस्ट करेगा ग्लोबल पीस समिट को ऑन यूक्रेन, और ये रिक्वेस्ट की है यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने। ठीक है, तो ये जो समिट है इसमें मीटिंग होगी वर्ल्ड लीडर्स की, जहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से रशिया के इन्वेजन को एंड कर सकें। और इसके अलावा ज़ेलेंस्की ने ये भी कहा है कि ये इम्पॉर्टेंट है अब कि दुनिया जो है वो रशिया के एग्रेशन को स्टॉप करे और एक फेयर पीस जो है वो कंडक्ट करे। ठीक है, और इसके अलावा ये चाहते हैं कि इस मीटिंग के दौरान या इस इवेंट के दौरान जो ग्लोबल साउथ है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट रहे। और स्विस गवर्नमेंट ने इसके लिए ये भी कहा है कि वो हर कोशिश करेंगे यूक्रेन की हेल्प के लिए। ठीक है, तो हाल ही में अगर आपसे पूछा जाए कि किस कंट्री ने एग्री किया है कि वो होस्ट करेंगे ग्लोबल पीस समिट को ऑन यूक्रेन, तो आंसर इज स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड फॉर द असम्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, दैट इज असम वैभव? ये SSC का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। जब भी कभी ये अवार्ड दिया जाता है तो SSC बार बार इसको पूछने लगता है अपने एग्जाम में, इसको जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर है डी ऑप्शन, रंजन गोगोई। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। इन्होंने अनाउंस किया कि जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, यानी कि रंजन गोगोई, ये रिसीव करेंगे असम वैभव अवार्ड, जो कि इनके स्टेट का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है। और किस लिए इनको दे रहे हैं? क्योंकि रंजन गोगोई का एक काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है लॉ एंड जस्टिस के सेगमेंट में। और याद रखिएगा इनके बारे में कि ये 46 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, साथ ही ये राज्यसभा के MP भी थे। ठीक है, और इसी के साथ ये पहले हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जिन्होंने होल्ड की थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट को।
तो यहाँ पे बस ये याद रखना है कि असम का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है असम वैभव, किसको दिया जा रहा है? रंजन गोगोई को. नेक्स्ट है, कोनो नेशनल पार्क विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट. कोनो नेशनल पार्क कहाँ पे लाई करता है? तो ये पार्क है मध्य प्रदेश में. किस वजह से न्यूज में है? क्योंकि हाल ही में एक चीता है जिसका नाम है शौर्य, इसकी डेथ हो गई थी कोनो नेशनल पार्क में. और शौर्य जो है वो सिर्फ 7 साल का चीता था जो कि नामीबिया से लाया गया था. और इसके डेथ के बाद जो 13 ऑफ द ओरिजिनल 20 चीताज हैं जिनको कि हमने अफ्रीका से इम्पोर्ट कराया था, वो काफ़ी ज़्यादा खतरा महसूस करा जा रहा है उनके लिए. और सिंस मार्च 2023 7 अडल्ट चीताज ऐसे हैं जो कि मर चुके हैं इस पार्क में, साथ ही 3 कब्स ऐसे हैं जो अब तक मर चुके हैं. तो कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो हैवी रेन और एक्सट्रीम हीट है, साथ ही जो ह्यूमिडिटी है, उसकी वजह से ये डेथ हो रही है, या फिर ये जो टाइगर्स हैं ये अडाप्ट नहीं कर पा रहे हैं इस रीजन में. और कुछ और एक्सपर्ट्स का मानना है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी की वजह से इनकी डेथ हो रही है, लेकिन अभी तक कोई भी एग्जैक्ट रीजन सामने नहीं आया. ठीक है, तो इसी वजह से कोनो नेशनल पार्क न्यूज में था. याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश में है और इसी में हमने जो नामीबिया से चीते लाए थे उनको यहाँ पे प्लेस किया था. लास्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024? तो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर्स स्मृति ईरानी और हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने इनोग्रेट किया है वुमेन लीडरशिप लाउंज को एट डावोस स्विट्जरलैंड ड्यूरिंग द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. कब? 16 जनवरी को. यहाँ पे स्मृति ईरानी ने इम्फेसाइज किया है इंडिया के कमिटमेंट को टू द वुमेन लेड डेवलपमेंट गवर्नमेंट स्कीम को देखते हुए. और हरदीप सिंह पुरी ने नोटिस दिया है कि इंडिया को यहाँ पे जरूरत है कि वो शिफ्ट करें अपने वुमेन लेड डेवलपमेंट मॉडल की तरफ. तो इसी पर्पज से इन्होंने जो 54th एडिशन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, उसकी थीम रखी है रीबिल्डिंग ट्रस्ट. ठीक है, इसके थ्रू हम एड्रेस करेंगे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को, क्लाइमेट चेंज को और डीप फेक को. तो यहाँ पे सिंपली आपको याद रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए थीम है हमारी रीबिल्डिंग ट्रस्ट. तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है. जो चीज़ें हमारी रह गई थी इस वीक में उनको भी हमने देख लिया है और मंडे से हम लोग वापस अपने रिवीजन को लेते हुए आगे चलेंगे. और इसके अलावा ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आप जीके टुडे 2.0 को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, या फिर अगर आपका कोई फ्रेंड है जो इंग्लिश में पढ़ना चाहता है और उसको प्रॉपर कॉन्टेंट नहीं मिल रहा तो आप उससे भी ये शेयर कर सकते हैं. चलिए फिर आपके क्विज पे चलेंगे, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे. ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं. और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू हैव लाइक द सेशन. आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में. साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं. हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की. तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे. विद दिस मीनू हैड सना साइनिंग ऑफ.